नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में शराबबंदी कानून फेल है। शराब पर रोक लगाने के लिए सरकार अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन जो अवैध कारोबारी हैं, शराब माफिया हैं, शराब के जो तस्कर हैं, वो अलग अलग तरीके से शराब को बेचने में सफल हो जा रहे हैं। और इसी बीच जो खबर निकल कर सामने आ रही है पटना हाई कोर्ट की तरफ से, दरअसल पटना हाई कोर्ट ने शराबबंदी पर एक टिप्पणी की है। पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि बिहार के लोगों की जान जोखिम में इसलिए पड़ रही है क्योंकि राज्य सरकार अपने बहुचर्चित शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रही है। एक याचिका की सुनवाई करने के दौरान न्यायाधीश पुनेंदु सिंह की एकलपीठ ने उक्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून को ठीक से लागू नहीं होने के कारण नागरिकों के जीवन और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने 20 पेज के आवेदन में शराबबंदी कानून के 9 प्रतिकूल प्रभावों की चर्चा की है। गौरतलब हो कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के किए गए वादों पर 2016 में एक नीति बनाई और राज्य में शराब बिक्री और खपत पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। पीठ ने मुजफ्फरपुर जिले के एक निवासी की जमानत याचिका को निरस्त करते हुए उक्त टिप्पणी की है। अदालत ने पाया कि समय समय पर संशोधन बिहार निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू कराने में राज्य मशीनरी की विफलता और राज्य के नागरिकों के जीवन जोखिम में है। अदालत ने शराबबंदी लागू होने के बाद हो रही बड़ी संख्या में जहरीली शराब से त्रासदी पर चिंता जाहिर की है। पटना का हाईकोर्ट ने शराबबंदी में जो कमियां हैं उस पर नजर डाली है, वो ये हैं। राज्य के बाहर और नेपाल से शराब की तस्करी बढ़ी, जो एक आपराधिक आर्थिक अपराध है। शराब तस्करी में चोरी किए हुए वाहनों का उपयोग, उसमें फर्जी रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल हो रहा है। मासूम बच्चों को शराब तस्करी में शामिल करना, शराब को नष्ट करने में पर्यावरण पर पड़ रहे प्रतिकूल असर, तलाशी जब्ती और जांच के संचालन में जांच अधिकारी द्वारा छोड़ी गई कमियां, दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है उसमें राज्य की विफलता, मानव क्षमता की हानि, शराबबंदी ने सस्ती शराब और नशीली दवाइयों के सेवन को बढ़ावा दिया है। जहरीली शराब और मिथाइल अल्कोहल के सेवन से मृत्यु, नशीली दवाओं की खपत, इसके आदि व्यक्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि, ये सारे मामले। शराबबंदी के बाद गांजा भांग की जो खपत है बिहार में बढ़ गई है। अदालत ने कहा कि अवैध शराब में मिथाइल होता है जिससे 5 मिलीलीटर किसी को अंधा करने के लिए पर्याप्त है। 10 मिलीलीटर अक्सर घातक होता है। शराबबंदी कानून को लेकर सरकार ने जब फैसला लिया था उसके बाद हाईकोर्ट लगातार उस पर समय समय पर टिप्पणी करती रही है और एक बार फिर से मामला निकलकर सामने आया है। तो बिहार में शराबबंदी कानून को विफल बताया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई है। इस टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। शराबबंदी कानून पर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, या यूं कहें तो हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को एक बार फिर से विफल बता रहा है। ऐसे में बिहार में शराब की खपत, शराब तस्करों में वृद्धि और शराबबंदी की वजह से जो अपराध बढ़े हैं, आर्थिक अपराध, कहीं ना कहीं उसमें बिहार सरकार को काफी नुकसान हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।